देखिए मुख्यमंत्री भाजपा में कोई भी हो सकता है किसी भी पार्टी में अगर आप कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो मुझे नहीं लगता कि इतना पहले कोई अनाउंस करता है कि ये सी एम कौन होगा हम तो चाहेंगे कि बीजेपी का हमारा चेहरा अरविंद रैना जी भी हों सुनील शर्मा जी भी हों और भी जो लीडर हैं कविंदर जी हैं निर्मल सिंह जी हैं बड़े लीडर हैं हमारे पास हमारे पास सीएम के चेहरे की कमी नहीं है जो आज का आंकड़ा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और सबसे आपको भी हैरानगी होगी आप जो लोग दिख रहे होंगे देख रहे होंगे इसका प्रोग्राम को कि कश्मीर में भी हमारी सीटें आएंगी जी दो और दो आने वाला ये जो दो साल हैं ये चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि इन्हीं सालों में 2024 में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होंगे और 2023 में उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे जिसके लिए समय समय पर केंद्र सरकार ने ये इशारा दिया है कि अप्रैल और मई में, में ये इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए काफ़ी तैयारियां कर ली हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इलेक्ट्रोल रोल भी तैयार कर लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑब्जर्वर की एक टीम मार्च में जम्मू कश्मीर में आ सकती है और उसके बाद वो खुद पूरी सिचुएशन को असेस करेगी जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा और लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की आज इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर डी के मनयाल जी हैं इनसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो तो है कितना तैयार है इस आने वाले इलेक्शन के लिए अगर इलेक्शन करवाई जाती है तो ये बताएं कि आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा के चुनाव जो है केंद्र सरकार करवा सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकता है आ, अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है उसकी तैयारियां चल रही धन्यवाद अरुण जी आ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपने इस टॉपिक पर जो मुझे लगता है कि आज के समय में बड़ा एक अहम ये टॉपिक है कि चुनाव होने चाहिए वह जहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है आ, हम तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो ट्वेंटी फोर सेवन काम करता है और आ, साल के तीन सौ पैंसठ दिन हम इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं संगठन जो हमारा है मजबूत है आ, पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्र, स्ट्रक्चर है वो मजबूत है आने वाले समय में आ, जैसे अभी अगर कहें तो असेंबली के चुनाव हैं म्यूनसिपलिटी uh, के चुनाव हैं पंचायती राज जो हमारा पी उनके भी चुनाव हैं और कहीं ना कहीं आ, पार्टी को आ, ये लग रहा है कि मई जून में या अप्रैल मई में, में आ, ये असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं तो उसको लेके देखिए अदरवाइज़ तो पार्टी तैयार रहती है हमेशा काम करती है लेकिन एक आ, चुनाव को देखते हुए हम ज़मीनी स्तर पर आ, पार्टी काम कर रही है और पिछले लगभग दो या तीन महीने से बूथ स्तर पर काम हो रहा है जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास चाहे ज़िला की टीमें हैं उनके नीचे हमारे आ, कुछ मोर्चा होते हैं जिसमें हमारे साथ अलग अलग मोर्चे होते हैं युवा किसान महिला ओ बी सी एस सी एस टी माइनॉरिटी मोर्चे हमारे पूरे तैयार हैं उनकी टीमें बनी हुई हैं इसी तरह ये सारा स्ट्रक्चर मुझे मंडल पर जाता है मंडल में भी मंडल की टीम होती है हमारे जिसको ब्लॉक कहते हैं और उनके मोर्चे होते हैं और बूथ स्तर पर हमारी एक चालीस से पचास कार्यकर्ताओं की हमारी टीम होती है आज की डेट में अगर आप हमसे पूछें तो पार्टी का आ, जो हाईकमान का निर्देश था कि ये चुनावों को देखते हुए आप बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें और लगभग मुझे लगता है पचास परसेंट से ज़्यादा काम बूथ स्तर पर भी हो चुका है और हमारे जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं हमारे एक्स एम एल एज एक्स मिनिस्टर्स एक्स एम एल सीज़ और हमारे आ, कुछ सीनियर लीडर्स उनको अलग अलग हमने विधानसभाओं की जो है प्रभारी के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है और अपने अपने तरीके से अपने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा का परिवार पूरे हिंदुस्तान में ही बड़ा है जम्मू कश्मीर में भी हमारे पास आज नेताओं की जा ने जा हमारे लीडर्स की कमी नहीं है हमारे पास और ज़मीन स्तर पर लोगों की जो दिक्कतें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जब हम संगठन के तौर पे काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके लोकल इश्यूज होते हैं उनको भी सुनते हैं और ये प्रयास रहता है कि वहीं पे उनका जो है वो हल भी हो जाए सोल्यूशन निकल जाए और ब्लॉक स्तर पर हैं तहसील लेवल पे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं हमारे कार्यकर्ता जो है वो लोगों के जो रोज़मर्रा की जो कोई तकलीफें हैं कोई इशू हैं उनको लेके भी चल रहे हैं और एक फुल फोर्स से चुनाव को आते हुए आने वाले चुनाव को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं आ, लेकिन ये भी बताइए कि कभी भी चुनाव में जाने के लिए हमेशा हर पार्टी जो है कुछ मुद्दों को लेकर चलती है आ, उसके कुछ मुख्य मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर वो आम पब्लिक के बीच में जाकर और उनके साथ उन बातों को हाईलाइट करती है तो किस तरह के मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लोगों के बीच जब वोट मांगने के लिए जाएगी तो उनको हाईलाइट करेगा देखिए मुख्यतः तो अगर आप बात करें थ्री के एब्रोगेशन के बाद एक जो सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर आप बात करें मिलिटेंसी की बात करें उन वारदातों में आ, या किलिंग्स में एक बड़ा आ, बड़ा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कम हुई हैं ऐसी वारदातें आज कहीं ना कहीं कश्मीर में भी अगर आप जाएंगे जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे हैं हम भी जब जाते हैं वहाँ पर एक अच्छा माहौल बना है एक पॉजिटिव माहौल बना है और खास करके जो एक बिज़नेस क्लास है बिज़नेस कम्यूनिटी है और महिलाएँ और स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलीव फील करते हैं कि वो बंद की काल दो दो महीने का बंद वो कैलेंडर इस तरह की और आए दिन तलाशियाँ पत्थरबाजी वो सारी चीज़ें बंद होने के बाद आज उनको लगता है कि हम आ, साल के तीन सौ पैंसठ दिन हम कॉलेज जा सकते हैं हम आ, अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकते हैं आज आ, महिला वर्ग जो है मैं जस्ट एक आपसे शेयर भी करूँगा हमारे कुछ वहाँ कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमारी जानकारी में लाया है कि पहली बार कश्मीर में महिलाएं निकली हैं बाहर और कुछ इलाकों में जो से कुछ टाउन के अर्बन एरिया है वहाँ आज वो कैब ड्राइवर हैं टूरिस्ट को फेरी करना आगे पीछे लेके जाना गुलमर्ग पहलगाम और लोकल जो टूरिज़म है उनको टूरिस्ट को करने के लिए आज वहाँ महिलाएं कैब ड्राइवर्स हैं ये हालात इस तरह के कश्मीर में नहीं थे पहले आज वो वक्त पड़ा है डेवलपमेंट की बात करें एक हम जैसे कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ जिनको हम कहते थे तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी भेदभाव होता था आज अगर जम्मू के अंदर एक एम्स है तो कश्मीर के अंदर भी एम्स है जम्मू के अंदर अगर हमारा आईएएम है तो वह कश्मीर में आईएएम है इस तरह से एक बराबर बिना भेदभाव के डेवलपमेंट भी हुई है आज आप जम्मू में जाएं चाहे कश्मीर में जाएँ आप रोड्स देखिए आप सर्कुलर रोड देखें आप रिंग रोड देखें आप एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है वो देखें Uh, कठुआ से आप चलना शुरू करें तो अलग अलग फ्लाई ओवर कुछ सांबा के पास बंके तैयार हो चुके हैं कुछ तैयारी हो रहे हैं आने, मुझे लगता है चुनावों से पहले पहले आपको कठुआ अगर हम जम्मू का जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो हमारी एंट्री पॉइंट है वहाँ से जम्मू सिटी आने तक मुझे नहीं लगता कि आप चालीस या पैंतालीस मिनट से ज़्यादा लेंगे जी, क्योंकि जी मेरा यही आप है आपसे आगे प्रश्न क्योंकि आप सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी आप जो हैं कंस्टिट्युंसी से आप एमएलए रहे हैं वहां पर अगर डेवलपमेंट का सिनेरियो देखें तो जब आप एम थे और अब तक के बीच में किस तरह की डेवलपमेंट जो है मुख्य अचीवमेंट जो आपकी वहां पर रही हैं थोड़ा उसके बारे में अगर बताएँ देखिए दो जो साढ़े तीन साल का मुझे हमें टैनोर मिला एज एम एल ए काम किए उसमें आ, मेरा फोकस जो है ली वो रहा था आ, एजुकेशन पे और हेल्थ पे हेल्थ में एज ए मिनिस्टर तो मुझे बड़ा कम टाइम मिला लगभग डेढ़ महीना मिला काम करने के लिए लेकिन एज एमएलए भी Uh, मेरे वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स की कमी थी जैसे आप परमंडल के हॉस्पिटल की बात करें एक चार कमरे का हॉस्पिटल था मैं वहाँ खुद भी हम हो रहा हूँ पॉलिटिक्स में आने से पहले आज वहाँ एक आ, बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ वार्ड्स हैं एक्सरे है, एक है अल्ट्रासाउंड है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ट्वेंटी चलने वाला ट्वेंटी फोर चलने वाला और वहाँ अल्ट्रासाउंड एक्सरे एक्सरेबॉर्ट्री सभी फैसिलिटी वहाँ उपलब्ध हैं उत्तरवैनी हमारा जो जो है ट्विन हमारे रिलीज सेंटर्स हैं परमंडल एंड उत्तरवैनी परमंडल में अलग हॉस्पिटल है उत्तर बैनी में हमने अभी लगभग सात करोड़ का एक हॉस्पिटल जो जब मैं मिनिस्टर था तब तो हमने सेंक्शन किया था एक पी वो बन के तैयार है वो चल रहा है इसी सा, उसके साथ, साथ साथ सुंब का हमारा इलाका है वहाँ पे भी हॉस्पिटल की कमी थी सुम्ब का हॉस्पिटल एक नया हॉस्पिटल बना वो लगभग दो साल पहले बन के तैयार हो गया आज हमारा पेंठी एक जगह है सांबा सुंब और सांबा के बीच में वहाँ एक सात करोड़ की हमारी पीएससी वो बन के तैयार हो गई है सांबा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ लगभग 40 से 50 बेड का एक हॉस्पिटल था हमारे पास आज हमारे पास नया हॉस्पिटल बन के हमारी कैपेसिटी 100 प्लस हो चुकी है ये एक 50 बेड वाला हॉस्पिटल आज लगभग डबल कैपेसिटी का जो है हॉस्पिटल वो तैयार हो चुका है और वहाँ दो ऑपरेशन थिएटर थे, थे आज हमारे पास चार ऑपरेशन थिएटर हैं ऐसे वार्ड्स हैं अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं तो ये हेल्थ को लेकर अगर बात करें इसी तरह विजयपुर में रामगढ़ में हेल्थ को हमने काफ़ी उसमें काम किया आ, लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन को लेकर स्कूल स्कूल काफ़ी दूर दराज आपका इलाका है काफ़ी रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर एक स्कूल का है और साथ में उसके साथ जुड़ी हुई कनेक्टिविटी का बड़ा इशूज़ हमेशा रहता है क्योंकि मेन रोड तो ज़रूर बने हुए लेकिन उनके साथ जो गाँव के साथ कनेक्टेड रोड्स होती हैं उसके बारे में इस समय क्या सचुएशन देखिए दो हज़ार चौदह से लेके आज तक Uh, मुझे लगता है कि uh, जो लोगों की वहाँ रिक्वायरमेंट थी सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ अगर आप प्लेन इलाके की, इलाके की बात करें रामगढ़ या यहाँ विजयपुर के इलाके की तो uh, मुझे नहीं लगता कि uh, पाँच या दस परसेंट जो है वो डिमांड अभी पची होगी मोर देन नाइन्टी परसेंट मुझे ये मैं यकीन की, की, से कह सकता हूँ मोर देन नाइन्टी परसेंट रोड नेटवर्क रोड कनेक्टिविटी हमारी विजयपुर रामगढ़ वो जो हीरानगर का इलाका हमारे तो पास आया सांबा डिस्ट्रिक्ट में गघवाल और राजपुरा ये कंप्लीट हो चुकी है कहीं ना कहीं कुछ बीरोकेसी के, के लेवल पे या कुछ जो सेक्ट्रेट पे लेवल पे और जो हमारे बाऊडाम है मुझे लगता है कि वो वहाँ डिले हो के कुछ काम रुक गए हैं अदरवाइज़ उसी क्षेत्र में परमंडल में मैं जब बी था जम्मू से जहाँ जम्मू प्रॉपर सिटी से जाने के लिए परमंडल में दो ढाई घंटे लगते थे आज आप चालीस मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं आराम से उत्तर बहनी परमंडल भी लगभग तो सात करोड़ की लागत से रोड बना है तो उसको कनेक्ट कर रहा है उत्तर बहनी से विजयपुर का रोड भी लगभग नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा कवर हो चुका है दो या तीन किलोमीटर रोड रह गया है जब ये बन जाएगा तो आपका ये एक रिलीजियस सर्किट अगर मैं थोड़ा भी आपको डिटेल में कहूँगा आपको अब जब हमारी गवर्नमेंट थी तो आदरणीय मुफ्ती जी तब हमारे सी थे तो, तो हमने उनसे हम रिक्वेस्ट की थी कि सांबा का घोरन बाबा गोरन स्थान चीची माता स्थान उत्तर बहनी परमंडल ये सब जोड़ के एक रिलीजियस सर्किट बन रहा है और आज की डेट में उत्तर बहनी का पुल जो बन रहा है वो अगले छः महीने में वो तैयार हो जाएगा वो जोड़ देगा आपको परमंडल को नड के साथ नड में एक पुल बन रहा है बन एक बन के तैयार हो गया दूसरा बन रहा है आने वाले मुझे लगता है इस साल के एंड तक गोरन से लेके परमंडल तक आपकी इंटरनल कनेक्टिविटी हो जाएगी आपको हाईवे से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब अंदर अंदर से आके इन पाँचों तीर्थ स्थानों के आप अं एम्प्लॉयमेंट uh, को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है और जो ऑलरेडी लोग इम्प्लॉयड हैं वो अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर भी वो प्रोटेस्ट डिमॉन्सट्रेशन करते रहे हैं आपके बीजेपी ऑफिस के बाहर भी इस तरह के प्रोटेस्ट डिमॉन्सट्रेशन क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए uh, देखिए जब जब सरकार थी तो uh, आपको भी पता होगा हमने कैजुअल uh, लेबरर्स और जो कंट्रेक्चुअल लेबरर्स हैं डेली वेजर्स हैं इन पर कुछ काम करना शुरू किया था uh, लेकिन जब सरकार नहीं रही तो कहीं ना कहीं ये काम रुक गया यूटी बनने के बाद जो ऑफिसर लेवल पे ये चीज़ें होती हैं ऑफिसर लेवल पे डिपार्टमेंट लेवल पे ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ी लेकिन हमारा आज भी यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमने दिल्ली में भी बात की है कि इस मुद्दे को हमें हल करना है उसमें देखिए एक बात बड़ी क्लियर है वो हम जो हमारे भाई हमारे हैं डेलीवेजर्स उनसे ही बात करते हैं कहीं ना कहीं जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कैसे हुई है किसने की है ये एक बड़ा इशू है इस पर अगर बात करेंगे तो शायद बहुत लंबी बात हो जाएगी लेकिन अब जो भी हो चुका है हो गया है लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड लेवल पे आज भी यही कार्यकर्ता यही लोग काम करते हैं लेकिन कुछ कमेटियां भी बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि आप इन सारे मुद्दों को देखें देखे, कर करके आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो पहुंचाए हाईकमान तक तो पहुंचाए कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लोगों को फेस किए जा रहे हैं तो उस रिपोर्ट में क्या निकल के आए वो दो कमेटिया बनाई गई थी एक मेम्बर था और पी एम पैकेज और पी एम नॉन पैकेज इंप्लाइज और दूसरी कमेटी डेली वेजेज को लेकर थी दोनों कमेटी की रिपोर्ट बन के आ, आ, हमारे प्रजंटा के पास है दे दी है और शायद उसका उस पर कुछ डिस्कशन हुई है हमने बात भी की है और एल जी साहब को भी शायद उसकी कापी हमारे निर्मल सिंह जी डॉक्टर निर्मल सिंह जी है वो एक उस रिपोर्ट की काफी अपनी रिकमेंडेशनस हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करें क्योंकि हम लोग पावर में रहे हैं हम लोग एम रहे हैं वो डिप्टी सी रहे हैं तो जो उस वक्त हमने ऑब्जर्व किया अभी जो हालात हैं किस तरह से इन लोगों को फ़ायदा हो सके वो एक रिकमेंडेशन अपनी तरफ से हमने वो एल साहब को सबमिट कर दी है उसमें आ, मोटे तौर पे यही है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी जो उनकी डिमांड है ऐसी रिजर्व कैटेगरी इम्प्लाइज की वो ट्रांसफर पॉलिसी बन जाए पी एम पैकेज के लोगों की कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हमें वहाँ रहने के लिए क्वार्टर दी जाए ताकि वो सेफ जगह पर सिक्योर जगह पर रहे कहीं ना कहीं सभी इम्प्लाइज को जम्मू लाना पॉसिबल नहीं है ला भी नहीं सकते क्योंकि उनकी पोस्टें है वहाँ हैं कश्मीर की जो पोस्ट हैं उनको आ, उन पर इंप्लाई करके आपको हम जम्मू में काम से काम नहीं ले सकते ये एल साहब का कहना था हमने भी कहा है कि अब वो कश्मीर में दे आर रेडी टू सर्व इन कश्मीर बट उनको एक ऐसा एडमॉसफियर दीजिए उनको ऐसी जगह पोस्ट करें जहाँ उनको अपनी जान को खतरा ना हो उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको एक सिक्योर एकोमोडेशन दे दीजिए जब पहले दरबार मूव में आपने आपने आप भी देखते थे कि हज़ारों घर हज़ारों क्वार्टर्स और होटल्स में अकोमोडेशन लेके हम अपने एम्प्लॉज को देते थे तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक टिल द टाइम क्वार्टर्स बनते हैं आप इनको उस तरह की एक एक अकोमोडेशन दे दीजिए एक साल दो साल तीन साल के लिए उसके बाद जब सरकारी क्वार्टर बन जाएंगे तो एक सिक्योर क्वार्टर्स में सिक्योर अकोमोडेशन में वो रहेंगे और कोशिश ये की जाए कि इनको टाउन में सेफर प्लेसेस पे इनको पोस्ट किया जाए बीजेपी हमेशा ये दावा भी करती है कि वो अपने दम पर यहाँ पर सरकार बनाएगी पचास से ज्यादा जो है सीट लेके आएगी ताकि मेजोरिटी मिले अब लेकिन पचास सीट आप ले पाएंगे देखिए चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें एक बात आपको माननी पड़ेगी कि थ्री सेवेंटी के हटने के बाद आ, कहीं ना कहीं इतना बड़ा बदलाव आया है।, है चाहे वो एजुकेशन को कर जैसे मैंने पहले कहा एजुकेशन को लेकर है डेवलपमेंट को लेके है सड़कों की बात है हॉस्पिटल्स की बात है आ, स्कूलों की बात है मैं अभी सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दे आपको आपका कहूँगा कि दो हज़ार चौदह से पहले का है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर और दो हज़ार चौदह के बाद का आज हमारे पास छः मेडिकल कॉलेज जम्मू में है और छः मेडिकल कॉलेज हमारे पास कश्मीर में है जबकि एक जम्मू में होता था जीएमसी जम्मू बत्रा और एक जी एम सी श्रीनगर बहुत स्कीम्स वहाँ पर आज हमारे पास बारह मेडिकल कॉलेज हैं एक एक जिले से अरुण जी आज बारह बारह पंद्रह पंद्रह बीस बीस बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं अब पचास का आंकड़ा पार करना क्या लगता है बीजेपी के लिए उसम आसान होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा क्यों जी मैंने आपसे बात की है इसी तरह के की बात देखिए आप के हर साल निकल रहा है बच्चे आ रहे हैं अभी अपने पीछे पढ़ा होगा गवर्नमेंट ने रिटर्न में दिया है कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वैकेंसी फिल्ड दो हज़ार चौदह से लेकर अब तक के, लोगों को नौकरी मिली है ठीक है उसके गुणगान नहीं हम करते ज़्यादा जोर से नहीं बोलते पार्टी को पचास सीट का आंकड़ा अगर वो पार करती है तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है देखिए मुख्यमंत्री भाजपा में कोई भी हो सकता है किसी भी पार्टी में अगर आप कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो मुझे नहीं लगता कि इतना पहले कोई अनाउंस करता है कि ये सी कौन होगा हो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी का हमारा चेहरा अरविंद रैना जी भी हों सुनील शर्मा जी भी हों और भी जो लीडर हैं कविंदर जी हैं निर्मल सिंह जी हैं बड़े लीडर हैं हमारे पास हमारे पास सी के चेहरे की कमी नहीं है भाजपा मैं आपको मतलब दावे से कह सकता हूँ कि जो बातें मैंने आपसे कही चाहे डेवलपमेंट की चाहे एजुकेशन की चाहे एम्प्लायमेंट की ये सब मुद्दे देखते हुए लोग हमें वोट करेंगे और 50 का आंकड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है और सबसे आपको भी हैरानगी होगी आप जो लोग दिख रहे होंगे देख रहे होंगे इसका प्रोग्राम को कि कश्मीर में भी हमारी सीटें आएंगी यकीन आएंगी कश्मीर में भी इस बार बीजेपी जो है वो सीटें लाएगी और बीजेपी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और हमारा सी आएगा तो ये थे डॉक्टर बनियाल साहब इन्होंने काफ़ी बताया कि बीजेपी पचास का आंकड़ा ज़रूर पार करेगी जिस तरीके से जो केंद्र सरकार और एल जी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर काम कर रही है उनके चलते हुए एक समय बाद जो है लोग इस बात को समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें यहां पर सीएम के चेहरे की कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है उसके लिए इन्होंने कहा कि लीडर्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि हर लीडर अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने गिनाया भी कि इनके जो प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं वो भी खुद बहुत ही सक्षम हैं और दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी सक्षम है और आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन हो सकता है लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इन्होंने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो अपने बल पर यहाँ पर सरकार बनाएगी